सब भाई क्या सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी बज रहा है 9, देख लीजिए अभी बज रहा है 9। तो वेलकम है आप सबका वर्षा गुप्ता लाइफ स्टाइल चैनल में। तो कैसे हैं आप सब बताइएगा ज़रूर। और अभी मतलब आज है नहा खा, तीज का नहा खा, तो तीज का तैयारी मेरा हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और आज है नहा खा तो इसलिए मैं सुबह ही उठ गई थी और बाबू को स्कूल भेज चुकी हूँ। उसको भेजने के बाद मैं जाके अपना शावर वगैरह ले ली, पूजा वूजा कर ली और मैं सब कुछ हो चुका है। और अभी मैं पी हूँ थोड़ा सा हर्बल टी, अपना हर्बल टी ले चुकी हूँ। मैं दूध वाला चाय अब अवॉइड करती हूँ, नहीं पीती हूँ, पीना होता तो एक बार पीती हूँ नाश्ता के बाद, 11:30 के आसपास पीती हूँ, उसके बीच में नहीं पीती हूँ मैं। तो मन किया तो पीती हूँ वरना नहीं पीती हूँ, हर्बल टी ले लेती हूँ। और अभी आज मुझे लगाना है मेहंदी अपने हाथों में। तो आज कल मैं कोई वीडियो नहीं बनाई थी, कल मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी यहाँ पे। और अभी पापा भी सो गई है, मेरी सानवी आराम से सो रही है, आराम से सो रही है ये। तो अभी मिनी आ गई है, वो बना रही है नाश्ता, वो नाश्ता बना रही है। और मुझे थोड़ा सा काम है, बेड पे चादर डालना है, सारे बेड पे उस पर भी डालना, इस पर मैं डाल दी थी क्योंकि बाबू सो रही थी इसीलिए, और उस पर मैं नहीं डाली हूँ, सारी बाबू पे लग गया तो उस पर नहीं डाली, उस रूम में बेड पे नहीं डाली हूँ वो। उस दोनों रूम में भी चादर डालना है। और इनका कंप्यूटर टेबल जो है वो मुझे ठीक करना है क्योंकि पूरा मेसी कर दिए है ये, पूरा इधर से उधर किए हैं टेबल को, पूरा मेसी कर दिए। तो मैं जा रही हूँ चादर डालने के लिए। तो मैं अपना ब्लॉग अभी स्टार्ट किए हूँ, कब कंटिन्यू ख़त्म कब करूँगी, शाम तक ख़त्म कर दूंगी वीडियो को। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी आफ्टर का टाइम हो रहा है और अभी बज रहा है 2:30 और अभी मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट की हूँ। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये देखो और कैसा लगी है मेहंदी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। और चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग। मैं इनको घर पे इसलिए बुला ली हूँ क्योंकि बाबू छोटी है, आपको भी पता है, और उसके साथ तो मैं सब कुछ नहीं कर पाती हूँ ये भी पता है। तो मैं सोची कि घर पे इनको बुला लूँ, इसलिए घर पे बैठ के लगवा रही हूँ, घर पे इजली हो जाएगा, बाबू को भी देख लूँगी और लगवा भी लूँगी क्योंकि मैं साल में एक बार मेहंदी लगाती हूँ, वो भी अच्छे से लगवाती हूँ। तो ये देखिए एक हाथ में लग चुका है, पीछे भी नहीं लगा है, अभी इधर लग रहा है। कैसा लग रहा है मेरा मेहंदी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय गाइस, देखिए मेरी मेहंदी लग चुकी है, ये देखिए पीछे भी लग गया है और इस हाथ में भी लग गया है। तो मेहंदी लग चुका है और मैं मेहंदी हटा दी थी, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी। और अभी मेरे हस्बैंड मार्केट गए थे तो वो लेकर के आए हैं स्वीट्स, तो ये सर्दी के लिए मैं मंगाई हूँ, सुबह सर्दी करना है मुझे तो उसके लिए मैं मंगाई हूँ। और मेरा मेहंदी आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अभी जा रही हूँ मैं मकई जो होता है उसको मैं पकाने के लिए, ये सूख चुका है लेकिन फिर भी इनको खाना है, ये बोलते हैं हमको बहुत पसंद है, सूख गया तो क्या हो गया दो हमको। तो चलिए मैं उनको मकई पका के देती हूँ, तो फिर मुझे बनाना है लेमन टी। और हम लोग दूध वाला चाय अवॉइड करते हैं, नहीं पीते, लेमन टी ज़्यादा पीते हैं, दूध वाला चाय से थोड़ा सा गैस वैस का प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए हम लोग लेमन टी ज़्यादा पीते हैं। तो अभी मैं चलती हूँ मकई को थोड़ा पका लेती हूँ, फिर थोड़ा देर में आप लोग से बात करती हूँ।
तो ये देखिए मैं मकई यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं लेमन टी के लिए पानी चढ़ा दी हूँ। और एक ही मकई था, मुझे तो खाना नहीं है, मुझे ऐसे इतना पसंद नहीं आता है, तो मैं बस इनको दूंगी। तो मैं इसमें लाल चाय के लिए चढ़ा दी हूँ और इधर मेरा ये मकई भी रोस्ट हो चुका है। अभी बारी आ रहा है नींबू गाड़ने का, नींबू मतलब गाड़ना है, फिर उसके बाद हाथ धोना है, तो वो काम मैं नहीं करने वाली, पानी नहीं छूने। सानवी खुद में व्यस्त है खेलने में। सानवी ये देखिए मेरा चाय बन चुका है और क्या कर रहे हैं? नहीं, काम चल रहा है, काम घूम घूम करके। बेटी बहुत ध्यान से देखती है काम क्या कर रहे हैं उसके पापा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। और किस किसने 30 की तैयारी कर ली है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।